फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। पक्की गल असा इंसान नू सोने सांचे च बनाया है, सोने ढांचे च बनाया है। हाँ हाँ, बगदाद दा शहर, जाफर बिन मंसूर दा दारुल हकूमत, जाफर बिन मंसूर दा दौरे हकूमत, ए बनू अब्बास दा एक बेहतरीन हुक्मरान गुजरिया है। इन्हां दे जमाने दे अंदर इमाम आजम अबू हनीफा भी ने, मैं कुर्बान जावां इहदा एक खलीफा है जिहदा नां है ईसा बिन मूसा गवर्नर, इसका वजीर है, मुशीर है। सर्दियां दियां ठंडियां ते लम्मियां रातां ने जाफर बिन मंसूर दा वजीर या मुशीर ईसा बिन मूसा अपने घर दे लॉन दे अंदर कुर्सियां पा के अपनी बीवी नाल गल्लां पिया करना है। अचानक गल्लां करनिया करनिया मियां बीवी का इख्तिलाफ होया, ऐ जिवें मियां बीवी गल करनिया करनिया किसी गल ते लड़ पैणे, तलख कलामी हो जानी है। ओए बीवी दी खामद नाल तलख कलामी होई ते गुस्से दे अंदर आके कहंदा है, चौदवी का चन चमक रहा है, अगर तू इस तू ज्यादा हसीन न होवें ते तेनू इत्थे बैठे बैठे तीन तलाक। औरत ने समझिया के मैं हसीन ते जरूर हाँ, जमील ते जरूर हाँ, सोनी ते जरूर हाँ, लेकिन चन नालों ज्यादा मेरा हुसन नहीं। खामत दी तरफों मेरे ते तलाक वाकया हो गई है। उन्हें अपने दुपट्टे नाल मुँह छुपाया ते कमरे दे अंदर चली गई ते अंदर जाके कहती है, मैं सुबह बादशाह नूं सारा माजरा सुनावांगी कि तेरे वजीर ने मैनूं तलाक दिती है। सुबह दा टाइम आया ते उस औरत ने बादशाह जाफर बिन मंसूर नूं अपना माजरा बयान किया। आदि ये मेरा खामद राती लॉन दे अंदर बैठिया बैठिया मैनू ए जुमला बोलिया, लिहाजा मेरे ते तलाक हो गई है ते एडा जालिम उन्हें मैनू तलाक दे दिती है। ते जाफर बिन मंसूर ने सारे उलमा नूं बुलाया ते सारे उलमा ने फरमाया तलाक हो गई है, हो गई है, क्योंकि है ते सोहनी लेकिन चन नालों सोहना कोई बंदा नहीं हो सकता। एक बंदा बड़ा सियाना बादशाह दा दरबारी, वो बादशाह नूं कहंदा है, बादशाह सलामत तुसा सारे उलमा को नूं अपनी अपनी राय लै लई है, लेकिन एक आलमे दीन नूं मैं भी जानना वा जिन्हां दा नाम अबू हनीफा है। अगर इजाजत होवे ना तो मैं उन्होंने जाके बुला के लैना, वो इस मसले का हल कढ़नगे। चूंकि तुसी परेशान नजर आ रहे हो, क्योंकि अगर यही गल है तो इहदी बीवी नूं तलाक हो जाएगी तो ये तुहाडी हुकूमत के दौरान बेइज्जती है। तो इमाम आजम अबू हनीफा आ गए तो बादशाह ने वजीर नूं नाल बिठा के सारा माजरा बयान किया। आपने पूछा तू के आख्या है बीवी नूं, वो कहंदा है कुर्सी ते बैठिया बैठिया तलख कलामी तो बाद मैं चन वल इशारा करके आख्या, अगर तू चन नालों ज्यादा सोहनी ना होवे ते तेनू इत्थे बैठे बैठे तीन तलाक। आपने फरमाया होर ते कोई गल नहीं आखी ना, कहंदा नहीं नहीं जनाब मैं होर कोई गल नहीं आखी, यही आख्या। आपका चेहरा मुस्करा पिया, आपने फरमाया मैं फतवा देना तलाक कोई नहीं होई, कोई नहीं होई, कोई नहीं होई, कोई नहीं होई। उन्हें आख्या वजह दसो, उलमा सारे उंगलियां दंदा थले रख लिया, असा सारे रल के आख्या हो गई है, ये पे कहने नहीं होई, इन्हों को दलील किवें। ते इमाम आजम अबू हनीफा ने औज़ु बिल्ला पढ़ के ते बिस्मिल्ला पढ़ के ए ही आयत पढ़िया, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीनी लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सिपियां अंदर मोती करदा ए रख के कतरा पानी, ओ शिकमा विचों बाहर आवे ए सूरत भी वीरानी।